हाय गाइस, कैसे हो? खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया है और इसमें आज रेसिपी है। और बारिश में अगर वो नहीं बनाए तो फिर क्या बनाए? बारिश का मज़ा ही नहीं, किरकिरा हो जाएगा। हर घर में बनती होंगी और वो बताना कि क्या चीज़ें कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, भूल ही गए हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों का क्या जाता है, वो यूट्यूब देख लेगा ठीक है, चलो चलते हैं। बेसन की पकौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ, भजे। तो ये देखो, मैंने बेसन लिया इस प्लेट के मान से दो, और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्याज डाले इसमें, कम से कम 4-6। इसमें सौंफ डाल दी है। अब ये मैं जीरा डाल रही हूँ, ये देखो। और इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट पहले ही डाल दिया मैंने, ये है ना, ये पीसी हुई हरी मिर्ची वगैरह। आधा स्पून मैंने ये नमक डाल दिया, आधा स्पून हल्दी, फिर 1 स्पून लाल मिर्च, फिर 1 स्पून धनिया। साथ में मैंने ये आलू भी बारीक बारीक गोल गोल पीस करके रखे हैं। इसमें नमक है और प्याज है, तो ऑलरेडी पहले मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। और एक हाथ से मोबाइल है तो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो। अब थोड़ा सा आप वाटर डाल सकते हो, थोड़ा सा, ज़रा सा, ये देखो। अलग जैसे पटेटो आप बाद में भी डाल सकते, पर मैं इसी में डालूंगी। वैसे तो बहुत सारी रेसिपी है पकौड़ियों की, और बारिश के मौसम में पकौड़ी नहीं खाई तो क्या खाई। मैं तो इसी में मिक्स कर देती हूँ आलू वगैरह भी, ताकि आपको बार बार, या तो फिर अलग तरह की भी आप बना सकते हो। मैं इसी प्रकार से बनाती हूँ। अब 10 मिनट के लिए ये पेस्ट बिल्कुल रहने दो, ताकि ये आलू में भी मसाले मिक्स हो जाए, बेसन वगैरह सभी। तेल गर्म हो रहा है पकौड़ियों के लिए। इसको देखने के लिए आप थोड़ा सा टाल के देखो, नहीं अभी तेल कच्चा है, अगर पक्का होता ना तो एकदम सुपर आ जाते। भजे बनाने की टिप्स है, ये देखो तेल गर्म हो गया, इसका मतलब हम ऊपर आ गए पकौड़िया। ये आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप चम्मच से भी डाल सकते हो, ऐसे छोटे छोटे, या तो आप हाथ से भी डाल सकते हो। मुझे लोहे की कढ़ाई में अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ धीमी आती है तो ये फैन चल रहा है ऊपर, इसकी वजह से भी है। तो थोड़ा ये देखिए, छोटे छोटे पूरी कढ़ाई, जहाँ जहाँ जगह दिखे वहाँ वहाँ आप पकौड़ियाँ डाल सकते हैं। मध्य मध्य आँच में सेको तो अंदर से भी अच्छे से बिल्कुल सीख जाती हूँ। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं अच्छे लगते हैं, बस इस स्टेज पे आप इनको निकालो। इसमें क्या है, जो अपन निकालने के लिए जा रहा है ना, इसमें आलू भी नहीं ज़्यादा आते, तो ऐसा इसी तरह दूसरा उसकी बैठ के वो डाल दी। देखिए ऐसे कुरम कुरम आवाज आ रही, बहुत, ये देखो बहुत टेस्टी बनी है। इसमें सौंफ वगैरह इतनी कुरम कुरम बहुत अच्छी लग रही है एकदम, बिल्कुल ही देखो
टेस्ट है भी बहुत अच्छा। अब बारिश के मौसम में पकौड़िया की तो बात ही अलग है। हरी मिर्ची के आलू के ये जीरा में टमाटर सास से खाली स्टार है, बहुत ज़्यादा टेस्ट।